हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका, मैं आप सबके सामने बोतल के कवर का क्राफ्ट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, जिसे आप अपने घर की बोतलों में या फिर बेबी फीडिंग बोतल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ तीन ही चीज़ों की आवश्यकता है, वो है ऊन, करोशिया और कैंची। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में नई ही ऊन हो, इसके लिए आप घर पर बची किसी भी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पांच चेन लेनी है और लास्ट में जैसे मैं ये बंद कर रही हूँ इसी तरह आपको बंद करना है। अब एक चेन लेते हुए इसे हमें पूरा फिल करना है, मतलब ये ली चेन और ये हमने इसको ऐसे फिल किया। इसी तरह हमें 20 पूरे फंदे डालने हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए, इस तरह आपको 20 फंदे डालने हैं। तो फ्रेंड, ये अब इस तरह से हमारा 20 फंदे हो चुके हैं। अब हम इसे पहली चेन में लॉक कर देंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। बिना चेन लिए हमें इसी के ऊपर एक एक फंदा डालते जाना है। तीन चार बार ऐसे घुमाते हुए हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। जहाँ आवश्यकता दिखे वहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और ये कुछ इस तरह से लगेगा। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने पहले फिल करते हुए डबल चेन ली थी, इसी तरह ही हमने इसे एक बार फिर से डबल चेन लेते हुए पूरा सर्किल घुमाना है और ये हमारा बोतल का बेस बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेन लेकर इसे पूरा फिल कर दिया है और लास्ट में इसे हमने लॉक कर दिया। फ्रेंड्स, अब इसी जो हमने चेन लेकर पूरा सर्कल कंप्लीट किया है, इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। पहले फंदे में हमने चार घर लेने हैं, तीन और एक चार। चार के बाद में एक फंदा छोड़कर एक फंदा लेना है, फिर दूसरे घर में उसी तरह ही चार फंदे लेने हैं, एक दो तीन और चार, फिर एक घर छोड़कर नेक्स्ट में एक। इसी तरह ही हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। अब ये जो हमने चार फंदे लिए हैं, इसके ऊपर फिर से हमने चार फंदे ही डालने हैं, एक दो तीन और ये चार। और अब हमने जो सिंगल फंदा लिया था, इसके आगे पीछे दोनों साइड से एक एक बढ़ा देना है। एक घर को हमने दो करना है, एक और एक दो, चार के ऊपर उसी तरह ही चार। ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। इसी तरह हमने पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और ये हमारा बोतल का बेस बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बोतल का बेस बन चुका है। इसके अंदर में बोतल डालकर दिखा दिया, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये बीड्स ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसे आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे तो थोड़ा और खूबसूरत दिखेगा, नहीं लगाएंगे तो खूबसूरत तो है ही। जो चार फंदे हमने लिए थे उसके ऊपर में चार चलाते हुए जो सिंगल फंदा है वहाँ पर हमको बीट लगाना है। चार के ऊपर में फिर से चार, और जो सिंगल बीट है इसके ऊपर में हमने डबल कर देना है, एक इस साइड से और एक दूसरी से। ये कुछ इस तरह से लगेगा। नेक्स्ट लाइन पे हमें इसके ऊपर सिंगल लगाना है और ये चार हो जाएंगे। चार बनकर ये डायमंड की शेप दिखेगी। फ्रेंड्स, इस तरह लास्ट में ख़त्म करते हुए मैंने एक एक बीट फिर से लगा दिया। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से लग रहा है।
अब जिस तरह से हमने नीचे का बेस बनाते हुए सर्किल को भरा था डबल चेन लेते हुए, उस तरह लास्ट में आपको डबल चेन लेते हुए सब चेनों के ऊपर में एक एक घर बनाना है। ये हमारा डोरी डालने के काम आएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से हमने इसे डोरी के लिए तैयार कर लिया है। और अब मैं आपको डोरी बनाना दिखाती हूँ। डबल ऊन करते हुए चेन बनाते हुए मैंने 70 चेन ली। क्रोशिया चलाते हुए अंदर से निकालना है और ये 70 चेन लेनी है। ये मेरी 70 चेन हो गई है और मैं इसे इसके अंदर से पिरो दूंगी, दो दो घर छोड़ के। और फ्रेंड्स मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में गुलाब बनाना सिखाया था, वो मैंने गुलाब यहाँ पर लगा दिया है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमारी खूबसूरत बोतल का कवर बनकर